चौबीसवां अध्याय इंद्र यज्ञ निवारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है, इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा ये यज्ञ किया करते हैं। पिताजी, आप मुझे ये अवश्य बतलाइए, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु और न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए, मित्र तो अपने समान ही कहा गया, इसीलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। ये संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वो सुहृदयों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है, मैं ये सब जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी, ये मेघ उन्हीं के अपने रूप है, वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी इनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। ये धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेष वश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्मों का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, तो वो कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे प्रयोजन। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है, वो उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए ये सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहां तक कहूं, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है
वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवा करने वाली व्याभिचारी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती है, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्ता वृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। वैश्यों की वार्ता वृत्ति चार प्रकार की है, कृषि वाणिज्य गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण है। ये विविध प्रकार के संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगढ़ सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना, वो भला क्या कर सकता है। पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गांवों, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं, व्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए, वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन कराया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं दी जाएं। और भी चांडाल, पतित और कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंट दी तथा गौओं को हरी भरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूं इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे व्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की। वे चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं, जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं इन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ, अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब व्रज में लौट आए। 25वां अध्याय, गोवर्धन धारा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी ईश्वर हूं। उन्होंने क्रोध से तिलमिला कर प्रलय करने वाले मेघों के सामवर्तक नामक गढ़ को व्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी और कहा, ओह इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नाश है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर इन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भाव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विधा को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, कृष्ण बकवादी नादान अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वो स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहिरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे हैं, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे एरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए पराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ आए और मूसलधार पानी बरसाकर सारे व्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकरा कर कड़कड़ाने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब व्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहां नीचा है कहां ऊंचा इसका पता चलना कठिन। इस प्रकार मूसलधार वर्षा तथा झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलधार वर्षा से सताए जाने के कारण सब ने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुर कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुंचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभो, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी एकमात्र रक्षक तुम्ही हो। भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम्ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि ये सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वे व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही ये प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग जो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। अतः ये उचित ही है कि इन सत्व गुणों से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। ये सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूं। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है, अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया।
इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और व्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सब के सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुविधे के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब व्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का ये प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई, वे भावचक से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघ को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वो भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छट गए हैं और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। व्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और भगवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बुर आदि गंधर्व भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से व्रज में लौट आई।